मंसूब है आयतुल्ला मरशी नजफी से, मैंने तहकीक तो नहीं की ना किसी किताब के अंदर अलग से इस बात को पढ़ा है, लेकिन बहुत सी चीजें मशहूर भी होती हैं। वो फरमाते हैं कि जब भी मैंने ज़ियारत आले यासीन पढ़ी मेरी हमेशा इमाम ज़माना से मुलाकात हुई। ये बात मशहूर है उनके लिहाज से। और फरमाते हैं अगर किसी शख्स ने 40 दफा ज़ियारत आले यासीन पढ़ी 40 मरतबा, तो मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि उसने 40 मरतबा ज़ियारत आले यासीन पढ़ी और उसकी इमाम ज़माना से मुलाकात ना हुई, मुकम्मल खुलूस के साथ अलबत्ता पढ़ना। और आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर आप ये बात चाहते हैं कि आप एक घंटा खिदमत इमाम ज़माना में हाजिर हों, अगर आप चाहते हैं कि एक घंटा खिदमत इमाम ज़माना में हाजिर हों और उनसे फ़ुयूज़ और बरकात को आप हासिल करें, तो खिलवत की जगह पर बैठकर ज़ियारत आले यासीन पढ़ें। एक गोया आप एक घंटा इमाम ज़माना की खिदमत में हाजिर रहकर जो फ़ुयूज़ और बरकात आपको हासिल होते हैं वो ज़ियारत आले यासीन पढ़ने से हासिल हो जाती। और गोया बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हो। यानी ज़ियारत आले यासीन पढ़ना ऐसा ही है, आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी फरमाते हैं कि जैसे आप इमाम ज़माना की खिदमत में बैठे हुए हों।